हे hey दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको स्ट्रेस, डिप्रेशन और मूड डिसऑर्डर जैसी समस्याओं को ठीक करने के लिए एक सिंपल और आसान प्राणायाम के बारे में बताने वाले हैं। इस प्राणायाम को करके आप कई तरह की समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं, लेकिन मेनली आप इन समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं जो हमने आपको अभी बताई हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है और बहुत ज़्यादा कारगर होने वाली है। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। इस प्राणायाम को करने का तरीका, ये प्राणायाम करने में बहुत ही सरल होता है, इसलिए इस प्राणायाम को करने की विधि ध्यान से सुने। इस प्राणायाम को करने के लिए आप सबसे पहले एक शांत स्थान का चयन करें, यानी कि एक ऐसी जगह को ढूंढें जहाँ शांत माहौल हो। फिर उसके बाद पद्मासन की मुद्रा में बैठ जाएं। इस मुद्रा में आपके सिर, गर्दन और रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। इसके बाद बाएं हाथ से नाक के दाएं छेद को बंद करके नाक के बाएं छेद से धीरे धीरे हवा को अंदर की तरफ लें। जब पूरी तरह हवा अंदर भर जाए तो एक सेकंड के लिए हवा को अंदर ही रोक के रखें। इसके बाद नाक के बाएं छेद को बंद करके दाएं छेद से अंदर की हवा को धीरे धीरे बाहर छोड़ें। अब फिर से बाएं छेद को बंद करके दाएं छेद से धीरे धीरे हवा को अंदर लें और एक सेकंड के लिए हवा को अंदर ही रोक के रखें। फिर दाएं छेद को बंद करके बाएं छेद से हवा को बाहर निकालें। इस तरह आपको सबसे पहले बाएं छेद से हवा को खींच कर रखना है और फिर दाएं छेद से हवा को छोड़ना है और सांस को बाहर की ओर रोक कर रखना है। इसके बाद नाक के दाएं छेद से हवा को अंदर खींचना है और बाएं छेद से हवा को बाहर निकालना है। इस प्रक्रिया को हर रोज़ कम से कम 10 से 20 बार ज़रूर दोहराएं और धीरे धीरे आप इसे 30 बार 40 बार भी कर सकते हैं। इस प्राणायाम को करते समय ध्यान में रखने वाली बातें, सबसे पहले अगर कोई महिला गर्भवती है तो उस महिला को ये प्राणायाम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जो 12 साल से छोटे बच्चे हैं या 12 साल तक के बच्चे हैं, उन्हें भी इस प्राणायाम को नहीं करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत होती है या फिर उस व्यक्ति से ये प्राणायाम सही से नहीं हो पा रहा है तो उस व्यक्ति को ये प्राणायाम नहीं करना चाहिए, यानी कि उसे कोई दिक्कत का सामना हो रहा है इस प्राणायाम को करते समय, तो ये उस व्यक्ति के लिए नहीं है। याद रखें कि इसे हर रोज़ 10 से 20 बार ही करें और नियमित अभ्यास के साथ ही इसकी टाइमिंग बढ़ाएं। ये नहीं कि शुरुआत में ही आप इसे 5 मिनट के लिए करने लग जाएं, 10 मिनट के लिए करने लग जाएं। ऐसा करना आपकी सेहत के लिए ख़राब भी हो सकता है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात, इस प्राणायाम को करते समय आपका पेट खाली होना चाहिए, यानी कि सुबह के समय खाली पेट में ही इस प्राणायाम को करना चाहिए। और दूसरी बात, शांत मन से ही इस प्राणायाम को करना चाहिए, तभी इसके बेहतर और अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। इस प्राणायाम को करने से आपकी जितनी भी स्ट्रेस है, जितनी भी डिप्रेशन है, या आप किसी चीज़ पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, या आपके पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है, या अपने काम पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, और भी तरह तरह की समस्याओं में ये प्राणायाम बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। सबसे ज़्यादा आसान होता है, लेकिन इसके फ़ायदे उतने ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसलिए इस प्राणायाम को सुबह के समय आपको ज़रूर करना चाहिए। अगर आप लोगों को हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी 1% भी ऐसी लगी है कि हमने आपको सही जानकारी दी है और आपको इस जानकारी को अपनाकर कुछ फ़ायदा हो सकता है, या आप योगा से रिलेटेड और कोई जानकारी जानना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो 1% भी ये पसंद आती है तो इसे ज़रूर लाइक करें, अपने रिलेटिव्स में और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करें ताकि उसका ये भला हो सके और वो भी हमारे चैनल के साथ जुड़ सके।